अब क्योंकि सभी को लग रहा था कि ज्यूडी कुछ घंटों से ज्यादा जीवित नहीं रह पाएगी, इसीलिए सभी लोग ज्यूडी के आसपास मौजूद थे। ज्यूडी के साथ माइकल भी हॉस्पिटल में ही था, और उसी समय डिटेक्टिव्स ने अब माइकल से क्वेश्चनिंग करनी शुरू कर दी। वो चाहते थे कि जो माइकल है वो सच बोले कि असल में वहां पर हुआ क्या था। जो माइकल था जब वो ज्यूडी के पास मौजूद था तो थोड़ा बहुत वो भी जल गया था, उसके हाथ वगैरह जल गए थे हल्के फुल्के एकदम, इसीलिए वो भी हॉस्पिटल में एडमिट था। अब वो वहां पर आराम से बैठा हुआ है, उसकी बॉडी लैंग्वेज एकदम नॉर्मल थी, वो एकदम नॉर्मल नजर आ रहा था और आराम से बातचीत कर रहा था। जिस समय ये सारा कुछ शूट किया जा रहा था उससे पहले ही डिटेक्टिव सीसीटीवी फुटेज देख चुके थे, जिसमें जो माइकल था वो आराम से ज्यूडी के ऊपर गैसोलीन पोर कर रहा था। उन्होंने सब कुछ देख लिया था कि वहां पर असल में हुआ क्या था। ऐसा कुछ भी नहीं था कि ऐसा कुछ एक्सीडेंट था, ज्यूडी ने एक्सीडेंटली अपने कपड़ों में कोई गैसोलीन गिरा लिया था, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सारी बातें डिटेक्टिव्स ने माइकल को भी बताई, जो कि आप इस फुटेज में देख सकते हैं। We saw exactly what happened. We saw you pour gasoline over top of her head. She stumbles to the ground. You lean over and light her on fire. We saw what happened. We know what happened. अब यहाँ पर माइकल ने अपनी स्टोरी चेंज कर दी। उसने कहा कि ये सब कुछ एक एक्सीडेंट ही था, हमारे बीच में थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट हो गया था, जिसके बाद जूडी ने मेरे ऊपर सोडा फेंक दिया था। मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया, लेकिन मजाक करते हुए मैंने उसके ऊपर गैसलीन फेंक दिया, क्योंकि उस समय मेरे पास वही मौजूद था। माइकल की ये बात आप खुद उसके मुंह से सुन सकते हैं। It's not the way it looks. She threw pop all my face. You know, you want to ruin my stuff up because that's how I took it. I said, here, boom, I'm going to ruin your clothes. It wasn't to start her on fire or nothing. It was just to ruin her clothes. Right, yeah. Okay. You've ruined my stuff, I'm going to ruin your stuff. So, और माइकल ने कहा कि इसके बाद जूडी थोड़ी देर बाद सब कुछ भूल गई। उसने सिगरेट जलाने के लिए जब अपना लाइटर जलाया तो उसके कपड़ों में तुरंत ही आग लग गई। वो बहुत ज्यादा जल गई, ये देखकर मैं घबरा गया और इस कारण से मैंने आप लोगों को झूठ बोल दिया था। Walked over to give her a light. That was it. She went up. I couldn't believe it. I just didn't think it was going to be like that. अब डिटेक्टिव्स को तो पूरा यकीन था कि ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में कुछ और ही दिख रहा था। लेकिन ये जो सारी फुटेज होती हैं काफी ब्लर होती हैं, इसीलिए जरूरी था कि इनके पास पक्के सबूत हों। पूरी तरह से श्योर होने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही तरीका था कि जीओडी खुद अपने केस के लिए बयान दे। लेकिन जीओडी को सिडेट कर दिया गया था, वो पूरी तरह से अनरिस्पॉन्सिव थी, एक तरह से वो एक कोमा में थी जो कि इंड्यूस्ड था। वो जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही थी, उसका बचना बहुत ज्यादा मुश्किल था, और अगर उसको सिडेशन से बाहर लाया जाता तो उसके लिए काफी रिस्की हो सकता था। लेकिन अब इन लोगों ने यही डिसाइड किया डॉक्टर्स के साथ मिलकर कि ये इस केस के लिए जरूरी है, जीओडी को बयान देना ही पड़ेगा। सभी को लग रहा था कि जीओडी की जल्दी डेथ होने वाली है। इसके अलावा उन्हें यह भी डर था कि कहीं जीओडी इनके सवाल सुन ही ना पाई तो क्या होगा, क्योंकि उसके ईयर्स पूरी तरह से बर्न हो चुके थे और हो सकता था कि उसके कानों में कोई इंटरनल डैमेज भी हुआ हो। फिर फाइनली जीओडी को सिडेशन से बाहर निकाला गया, उससे क्वेश्चंस पूछे गए, और आश्चर्य की बात यह थी कि उसको क्वेश्चंस पूरी तरह से समझ में आ रहे थे। उससे पूछा गया कि क्या तुम पर माइकल ने गैस डाली थी या गलती से तुम्हारे कपड़ों पर खुद गिर गई थी। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से वो आंसर करने की कोशिश कर रही थी। Can you hear me? Judy, did you spill gas on yourself? No. Did Mike spill gas on you? Yes. Yes. Okay. उसने बहुत कोशिश करके कम से कम साफ साफ ये बता दिया था कि उसको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और वो ढंग से आंसर कर रही है। इससे ही समझ में आता है कि जूडी के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ थी, जो इस केस में आगे भी देखने के लिए मिली। जब उसने इन सारे क्वेश्चंस का ढंग से आंसर कर दिया बिना किसी दवा के प्रभाव में, तब उसका ट्रीटमेंट एक बार फिर से शुरू कर दिया गया। डॉक्टर्स को लग रहा था कि वो कुछ ही मिनटों की या कुछ ही घंटों की मेहमान है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। लेकिन ये जो कुछ घंटे थे ये कुछ दिनों में बदल गए, और वो दिन कुछ हफ्तों में बदलते चले गए। जीओडी की फाइट लगातार जारी थी, वो लगातार अपनी बीमारी से, अपनी अवस्था से लड़ती चली जा रही थी। यहां तक कि डॉक्टर्स भी आश्चर्यचकित थे कि ये अभी तक जीवित कैसे है। हालांकि जीओडी की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी, वो सिर से पैर तक पूरी तरह से ड्रेसिंग से ढकी हुई थी। उसकी ये जो ड्रेसिंग्स थी ये दिन में दो बार चेंज की जाती थी, और जब भी इनको चेंज किया जाता था तो उनको चेंज करना बहुत ज्यादा पेनफुल होता था, क्योंकि उसकी जो पूरी स्किन थी अभी भी उधड़ी पड़ी थी, जलकर स्किन जगह जगह से उतर चुकी थी, और जब उसके ऊपर से पट्टी हटाई जाती थी तो एक बार फिर से
जो भी उसकी स्किन नई आई होती थी थोड़ी बहुत, वो खिंच जाती थी और उससे उसको बहुत ज्यादा दर्द होता था। वो हर समय लगातार दर्द में रहती थी, चाहे उसे कितने भी पेन किलर्स दे दिए जाए उसका दर्द कम ही नहीं होता था। वो हिलती भी थी तो उसको बहुत ज्यादा दर्द होता था, उसको सांस लेने में भी स्ट्रगल करना पड़ रहा था। उसके बाद डॉक्टर्स ने डिसाइड किया कि उसको कोमा में रख दिया जाएगा। वो पूरे 7 मंथ्स तक यानी कि 7 महीनों तक कोमा में रही और इन 7 मंथ्स के दौरान उसकी 60 सर्जरीज हुई। इन सर्जरीज के दौरान उसको 7 टाइम्स यानी कि 7 बार हार्ट अटैक पड़ा, जिनसे वो लगभग मरती मरती बची। इस दौरान जो माइकल था वो जेल में था, अपने ट्रायल का वेट कर रहा था। उसके ऊपर आग लगाने के, किसी व्यक्ति को जिंदा जलाने के और असॉल्ट करने के चार्जेस लगाए गए थे, लेकिन माइकल लगातार डिनाई करता जा रहा था। उसने कहा मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, और माइकल को पूरा यकीन था कि जो जीओडी है वो मारी जाएगी, मर जाएगी किसी भी दिन, और वो कभी भी खड़ी हो ही नहीं सकती, मेरे खिलाफ बोल ही नहीं सकती। उसे पता था कि उसके खिलाफ सबूत तो है, लेकिन अगर जीओडी उसके खिलाफ गवाही नहीं देगी तो वहां और भी कोई गवाह मौजूद नहीं था। जीओडी ने अभी तक जो भी गवाही दी थी सिर्फ एक बार दी थी, उसने फुसफुसाकर अपने आंसर्स दिए थे, कई बार सिर हिलाकर, कई बार अपना हाथ हिलाकर इस तरह से आंसर्स दिए थे, और इस तरह के आंसर्स कोर्ट में बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं माने जाते हैं। और कई बार तो इन आंसर्स का जो डिफेंस टीम है वो कुछ और मतलब भी कोर्ट में साबित कर सकती है। माइकल को लग रहा था कि बाकी सारे केसेस की तरह वो इस केस से भी आराम से बाहर निकल जाएगा, लेकिन इस बार ऐसा होने वाला नहीं था। जीओडी 7 मंथ्स तक कोमा में रही। 7 मंथ्स के बाद जब जीओडी अपने कोमा से बाहर निकली, जब उसे होश आया, तब ना सिर्फ उसको होश आ गया था बल्कि उसने ये भी डिसीजन ले लिया था कि इस बार वो माइकल के खिलाफ टेस्टिफाई करने वाली है, और वो भी उसके ट्रायल के दौरान। अब जब माइकल की डिफेंस टीम को इस बारे में पता चला कि जीओडी कोर्ट में आना चाहती है, तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। उन्हें लग रहा था कि ऐसा होने से रोकना चाहिए, क्योंकि वो जानते थे कि अगर जीओडी कोर्ट में आ गई तो माइकल का केस बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा, क्योंकि जो माइकल था एक तो वैसे ही ज्यूरी के जितने मेंबर्स थे उससे बहुत ज्यादा नफरत करते थे। इसके अलावा अगर बाद में ज्यूरी अपनी इंजरीज के कारण मारी गई तो इसके ऊपर मर्डर के चार्जेस लगेंगे, और जो ज्यूडी की गवाही थी वो पूरी तरह से इसके खिलाफ मानी जाएगी, तो इसको अच्छी खासी सजा मिलेगी। अब जब ये सब कुछ माइकल को समझाया गया तो माइकल ने अपनी प्ली चेंज कर दी। उसने अब नॉट गिल्टी का अपना दावा चेंज करके नो कॉन्टेस्ट कर दिया, यानी कि वो अपने केस के विरुद्ध कोई भी लड़ाई नहीं लड़ना चाहता। अब माइकल को इस एग्रेवेटेड आर्सन के लिए यानी कि आगजनी के लिए जो मैक्सिमम सजा मिल सकती थी वो थी 11 साल की, यानी कि 11 इयर्स इन प्रिजन की, जो कि बहुत ज्यादा डिसगस्टिंग थी। ज्यूडी को जब ये सब कुछ पता चला तो वो हार्ट ब्रोकन हो गई। उसको अपने लिए जस्टिस चाहिए था, न्याय चाहिए था, लेकिन किसी ने भी उसकी आवाज नहीं सुनी। उसे ऐसा लगने लगा कि माइकल ने एक बार फिर से उसको चुप करा दिया था, लेकिन ज्यूडी हार मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो अपनी लड़ाई लड़ती रही। उसने पूरा निश्चय कर लिया था कि जब तक मैं जीवित रहूंगी ना सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ूंगी बल्कि दूसरों के लिए भी जस्टिस की लड़ाई लड़ूंगी, दूसरों के लिए भी आवाज उठाऊंगी। उसने पूरी तरह से सोच लिया था कि अगर मेरे जैसी बाकी विक्टिम्स होंगी जो कि इसी सिचुएशन में रही होंगी तो उनके लिए मैं कुछ ना कुछ करूंगी, यानी कि वो फ्यूचर विक्टिम्स को हेल्प करना चाहती थी। अब उसने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के खिलाफ एक कैंपेन शुरू कर दिया। उसने कहा कि जो भी इस तरह का क्राइम करे उसको कम से कम 20 इयर्स इन प्रिजन की सजा मिलनी चाहिए। ज्यूडी ने एक लॉ भी बनाई बहुत सारी महिलाओं की, बहुत सारे लोगों की, और इस मैक्सिमम सजा को 11 इयर्स से बदलकर 20 इयर्स का कर दिया गया। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं था कि इन सारी चीजों से माइकल की सजा पर कोई फर्क पड़ने वाला था, क्योंकि जब भी कोई नया लॉ इंट्रोड्यूस होता है या किसी भी लॉ में कोई चेंजेस होते हैं तो वो भविष्य के लिए होते हैं। जिन लोगों को अभी सजा सुना दी गई है उनकी सजा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, वो उसी तरीके से जारी रहती है। लेकिन ज्यूडी ने फिर भी अपनी लड़ाई जारी रखी, वो फ्यूचर विक्टिम्स के लिए लड़ रही थी। यहां तक कि उसने अपने हॉस्पिटल बेड से भी बहुत सारे मैसेजेस रिकॉर्ड करवाए जो उसने सर्कुलेट कराए ताकि लोग उसका साथ दें। इसके बाद 2017 की शुरुआत में एक नया कानून पास हुआ।
ये कानून ओहायो स्टेट में लागू हुआ जिसका नाम रखा गया ज्यूडीज लॉ। इस नए कानून में वो सारे के सारे चेंजेस किए गए थे जिसके बारे में ज्यूडी ने डिमांड की थी। जिस दिन इस लॉ को पास किया गया उस दिन ज्यूडी की अपनी दोनों बेटियां वहां पर मौजूद थी जहां पर इस कानून पर साइन होने थे। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कहानी यहीं पर खत्म होने वाली है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब हम चलते हैं अपने लास्ट मेजर ट्विस्ट की तरफ। जनवरी 2017 में ज्यूडी की हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो गई, बहुत बुरी तरीके से उसकी हालत बिगड़ती चली गई। ऐसा लग रहा था कि अब वो सर्वाइव बिल्कुल नहीं कर सकती, उसकी मौत होने वाली है। जब प्रोसिक्यूटर्स को यानी कि उसके वकीलों को यह अंदाजा हुआ कि शायद ज्यूडी की अब डेथ होने वाली है, तो वो समझ गए थे कि ये केस अब एक मर्डर केस में बदलने वाला है। इस दौरान जो ज्यूडी थी वो बहुत ज्यादा डेस्परेट हो गई थी कि उसकी आवाज को भी सुना जाए, उसकी कहानी सुनी जाए, और ये कहानी सुनी जाए कोर्ट में, यानी कि वो अपनी आवाज उठाना चाहती थी और माइकल के खिलाफ अपना बयान दर्ज कराना चाहती थी। अब यूएस में ऐसा कोई केस पहले कभी नहीं हुआ था। किसी भी मर्डर ट्रायल में जो विक्टिम है उसका मरना पहले जरूरी है, तभी वो टेक्निकली एक मर्डर ट्रायल होगा। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी मर्डर ट्रायल में जो विक्टिम है यानी कि जिसका मर्डर हुआ है उसी ने आकर गवाही दी हो। अब ये कोई सीधा साधा केस तो था नहीं कि प्रोसिक्यूटर्स ज्यूडी को लेकर सीधे कोर्ट में जाते, वहां पर उसको टेस्टिफाई करा देते, उसका बयान दर्ज करा देते। उन्हें कुछ इस तरीके से उसके बयान को दर्ज कराना था जिसको आगे चलकर यूज किया जा सके, और इस कारण ये बहुत जरूरी था कि जो कुछ भी हो वो बिल्कुल कानूनी तरीके से हो, उसमें कोई भी दांवपेच बाद में जो डिफेंस टीम है वो ना निकाल पाए और इसके बयान को किसी भी तरीके से डिसमिस ना कर पाए। अब इसके लिए प्रोसिक्यूटर्स ने एक रास्ता निकाला। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास एक ऑप्शन है कि तुम अपनी वीडियो टेस्टिमनी रिकॉर्ड करा सकती हो, बाद में अगर तुम्हारी मौत हो जाती है तो ये जो वीडियो टेस्टिमनी है ये पूरी तरह से लीगल होगी और तुम्हारे केस में काम आएगी। अब जो ज्यूडी थी वो उछल पड़ी, वो बहुत ज्यादा खुश थी, उसको उम्मीद जग गई थी कि इस मर्डर ट्रायल में वो एक गवाह के रूप में काम आ पाएगी। इस वीडियो रिकॉर्डिंग के समय वहां पर कई सारे वकील और हो सकता है कि जज वगैरह भी मौजूद रहने वाले थे, क्योंकि ये जो वीडियो टेस्टिमनी थी ये पूरी तरह से लीगल थी। लेकिन इसके साथ एक बहुत ही बड़ी कंडीशन थी, वो कंडीशन ये थी कि जिस दौरान वो वीडियो टेस्टिमनी दे रही होगी, ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा होगा, उस दौरान वो कोई भी दवाई नहीं ले सकती, किसी भी तरह की कोई भी ड्रग्स नहीं ले सकती। उस समय वो बहुत ज्यादा हाई पेन मेडिकेशन पर थी क्योंकि उसको बहुत ज्यादा दर्द होता था, लेकिन अगर उसे ये वीडियो रिकॉर्डिंग करानी थी तो उसको उस समय बिल्कुल भी दवाइयां नहीं लेनी थी, क्योंकि ना सिर्फ वो इतनी ज्यादा हाई दवाइयों पर थी बल्कि उससे पहले वो ड्रग अब्यूज कर चुकी थी, यानी कि वो ड्रग्स लेती थी। इसीलिए इन लोगों को ये साबित करना था कि इसके दिमाग पर ड्रग्स का कोई भी प्रभाव नहीं है। और ये जो दवाइयों का प्रभाव है ये ऐसे खत्म नहीं होता है। अगर आपको अपने शरीर से पूरी तरह से दवाओं को मिटाना है कि उस पर कोई भी प्रभाव ना रहे, तो कई हफ्ते पहले आपको ये दवाइयां छोड़नी पड़ती हैं, और यही ज्यूडी ने किया। हालांकि ये दवाइयां छोड़ना उसके लिए बहुत ही कठिन काम था, उसको इतना भयंकर दर्द होता था कि जिसके बारे में तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन वो पूरी तरह से डिटरमिन्ड थी कि मुझे माइकल को सजा दिलानी ही है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। इसके लिए उसने अब कई हफ्तों पहले पूरी तरह से दवाइयां छोड़ दी थी। कई हफ्तों के बाद जो पूरी ड्रग्स थी उसके जब सिस्टम से पूरी तरह से रिमूव हो गई, तो फाइनली वो रेडी हो चुकी थी अपनी कहानी अब वीडियो रिकॉर्डिंग में सुनाने के लिए। अब वो दिन आ चुका था जबकि ज्यूडी को अपना बयान देना था, लेकिन जो माइकल था वो अभी भी शांत नहीं बैठा था। उसने एक एप्लीकेशन लगाई कोर्ट में कि मुझे उस रूम में ज्यूडी के साथ मौजूद रहना है क्योंकि मैं इस पर्सन को फेस करना चाहता हूँ, यानी कि ज्यूडी को, जो मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रही है, मुझ पर असॉल्ट के इल्जाम लगा रही है, जो कि टेक्निकली वो मान चुका था कि उसी ने किया है, लेकिन फिर भी वो उसको फेस करना चाहता था। थैंकफुली जज भी समझ गया था कि वो क्या करना चाहता है, वो शायद उसको इंटिमिडेट करना चाहता है, इसी कारण उसकी इस रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया गया। ज्यूडी के साथ उस रूम में सिर्फ नर्सेस की एक टीम होने वाली थी, उसका कोई भी फैमिली मेंबर वहां पर अलाउड नहीं था। अब ज्यूडी ने अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करवाई, साथ ही एक वीडियो कॉल भी कनेक्ट की गई। इस वीडियो कॉल को एक जज सुन रहा था, पूरा एक पैनल सुन रहा था, और यहाँ पर जो प्रोसिक्यूशन का लॉयर था यानी कि माइकल का लॉयर, वो इस वीडियो कॉल पर ज्यूडी से सवाल पूछने वाला था, क्योंकि एक तरह से ज्यूडी अपना बयान दे रही थी
और प्रोसिक्यूशन को अधिकार था उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग करने का। जीओडी की ये पूरी की पूरी डिपोजिशन की फुटेज ऑनलाइन मौजूद है और मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप पूरी फुटेज को वहां पर जाकर देखें। अब यहां पर पहले जीओडी को शपथ दिलाई गई। Straight Elizabeth Waters, I'm going to swear you in. Could you please raise your right hand to the extent that you possibly can? Do you solemnly swear or affirm that the testimony you're about to give in this deposition will be the truth, the whole truth, and nothing but the truth, as you shall answer to God or under penalty of perjury? I do. Thank you. इस दौरान जो जूडी थी वो बहुत ज्यादा पेन में थी, उसने कोई भी दवाइयां नहीं ली हुई थी और वो भी कई हफ्तों से, लेकिन वो पूरी तरह से सवालों का जवाब देने की कोशिश कर रही थी। जूडी ने उस दिन की पूरी घटना सुनाई कि उस दिन क्या हुआ था। उसने ये सब कुछ भी बताया कि कितना अब्यूजिव इन लोगों का रिलेशनशिप था, किस तरह से माइकल उसको टॉर्चर कर रहा था, और ये भी बताया फाइनली कि माइकल ने जानबूझकर उसके ऊपर गैसोलीन डाली पूरे शरीर पर जबकि वो पूरे टाइम चीख रही थी, और फाइनली उसने उसके ऊपर आग लगा दी। जीओडी ने क्लियर कर दिया था कि ये सारी घटना कोई एक्सीडेंट नहीं थी और ये सारा कुछ जानबूझकर इंटेंशनली किया गया था। इसके बाद जो डिफेंस लॉयर था वो इससे क्रॉस एग्जामिनेशन करने लगा, पूछने लगा कि तुमने माइक के पैसे चुराए थे, तुमने उसकी कार चुराई थी, तुम हेरोइन का नशा करती थी, तुम किस तरह से पूरे परिवार को परेशान करती थी। साथ ही उसने ये भी कहा कि May 29, 2015 को 911 को फोन करके पुलिस वालों को बुलाना पड़ा क्योंकि तुम्हारा बिहेवियर बहुत ही गंदा था, तुम ड्रग्स लेकर सोई हुई थी। वो जानबूझकर जीओडी से ऊटपटांग क्वेश्चन पूछ रहा था, उसकी सारी हिस्ट्री सामने ला रहा था, उसके ड्रग अब्यूज के बारे में बात कर रहा था ताकि उसको एक अनरिलायबल पर्सन के रूप में चित्रित किया जा सके, वो एक विक्टिम ना नजर आए बल्कि एक दुष्ट औरत नजर आए। साथ ही वो ये भी कह रहा था कि तुमने ही माइकल को प्रोवोक किया इतना ज्यादा कि उसने इस तरह की घटना को अंजाम दे दिया। साथ ही डिफेंस लॉयर ये भी कह रहा था कि उस दिन तुम वहां से भाग क्यों नहीं गई, अगर वो तुम्हारे ऊपर आग लगा रहा था तुम्हें वहां से भाग जाना चाहिए था, अगर उसने तुम्हारे ऊपर गैसोलीन डाल दी थी तो तुम भाग क्यों नहीं गई वहां से। साथ ही वो ये भी कह रहा था कि तुम्हारे अंदर इतनी एबिलिटी है भी कि तुम यहाँ पर बयान दे रही हो, तुम्हारे सारे कॉग्निटिव फंक्शंस तो सारे डिस्टर्ब्ड हो गए हैं, मुझे तुम्हारी फैकल्टीज पर भरोसा नहीं है, शायद तुम्हें ठीक से वो दिन याद भी नहीं होगा। इस तरह से उसको बहुत ज्यादा इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा था और साथ ही उसका कॉन्फिडेंस भी ब्रेक डाउन करने की वो लगातार कोशिश कर रहा था। जूडी कह रही थी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे सब कुछ याद है, मुझे अच्छी तरीके से वो दिन याद है और मैं अच्छी तरीके से सब कुछ रिकॉल कर सकती हूँ। हालांकि उसको याद करना मेरे लिए बहुत ज़रा मुश्किल है क्योंकि वो दिन एक बहुत ही बुरा दिन था मेरे लिए, लेकिन वो 2 अगस्त की बात है जिस दिन मेरे ऊपर आग लगा दी गई थी और 95% ऑफ माई बॉडी पूरी तरह से जल चुकी थी। जीओडी ने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी, उसने सारी बातें इस वीडियो कॉल में खुलकर बताई, इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ दिखाई, अपना करेज दिखाया और इस क्रॉस एग्जामिनेशन से वो बिल्कुल भी नहीं डरी और अंत में वो अपनी आवाज दुनिया के सामने लेकर आ ही गई थी। Use heroin after March of 2015. Yeah, thanks, Mike. Did you start stealing money from Mike? Oh. My question is, you stole money from Mike, correct? Yes. No, I didn't. Steal property or money from your mother? I was asked, yes. Michael called the police in May 29th of 2015 because of your behavior. Right, and so did I. I called the police and told them Michael was going to kill me and I needed help. But the detective did nothing about it, so here I am. Because of the trauma that you have suffered, your ability to recall events accurately has been compromised. I can recall the events, but many details of them is what's hard for me to recall. You have to understand, on August 2nd, I was set on fire, thrown on the ground, and burnt 95% of my body. I understand. What I'm trying to get to really is... hard for me to try to keep track of everything that happened in this horrible relationship. I appreciate that. वो अब खुश थी कि अगर उसको कुछ हो भी जाएगा तब भी उसका ये जो बयान है ये माइकल के खिलाफ यूज किया जा सकेगा और उसको उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। फिर जून 2017 का समय आ गया। अब तक इस घटना को हुए यानी कि जूडी को जलाए हुए करीब 2 साल बीत चुके थे।
इतने दिन तक लड़ते लड़ते अब फाइनली जूडी ने एक डिसीजन लिया। उसने कहा कि अब मुझे हॉस्पिस केयर में ट्रांसफर कर दिया जाए। हॉस्पिस केयर ऐसे पेशेंट्स को दी जाती है जो बहुत लंबे समय से किसी बहुत ही गंभीर बीमारी से लड़ रहे हैं और उनके ठीक होने की उम्मीद अब नहीं है। तो अब ऐसे पेशेंट्स चाहते हैं कि उनका इलाज बंद कर दिया जाए, उनकी दवाइयां बंद कर दी जाएं और धीरे धीरे वो आराम से मौत की नींद सो जाएं। तो इसके लिए हॉस्पिटल वाले, वहां का स्टाफ, उनके फैमिली मेंबर्स, हर कोई उनको फिजिकली और मेंटली और इमोशनली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनको किसी भी तरीके का इलाज नहीं दिया जाता है। जूडी ने इसके लिए ही चूज किया था कि हाँ मुझे यही करना है। इसके बाद 27 जून 2017 के दिन, यानी कि आग लगाए जाने के 696 डेज के बाद, जूडी फाइनली अपनी इंजरीज के कारण मारी गई। जिस समय जूडी की मौत हुई उस समय उसकी माँ उसके बगल में ही बैठी हुई थी और उस समय जूडी की उम्र केवल 33 इयर्स थी। फिर इसके करीब एक साल बाद जुलाई 2018 में माइकल का ट्रायल फाइनली शुरू हुआ, यानी कि उसका मर्डर ट्रायल शुरू हुआ। माइकल ने पहले से प्लानिंग कर रखी थी कि वो नॉट गिल्टी प्लीड करेगा और उसके बाद जब प्री ट्रायल हियरिंग हुई तब कोर्ट के सामने जूडी की टेस्टिमनी प्ले की गई जो उसने मरने से पहले अच्छी तरीके से रिकॉर्ड करवाई थी। इस टेस्टिमनी को सुनकर हर कोई, यानी कि कोर्ट में मौजूद हर कोई शख्स बहुत ज़्यादा दहल गया। वो अनबिलीवेबली मूविंग थी। और जैसे जैसे ये टेस्टिमनी ख़त्म हुई उस समय माइकल के डिफेंस लॉयर समझ गए थे कि ये टेस्टिमनी क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ज्यूरी पर बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा, इसलिए उन्होंने माइकल को अब एडवाइस किया कि तुम अपनी प्ली डील चेंज कर दो और अगर तुम अपनी गलती मान लोगे तो तुम डेथ पेनल्टी से बच सकते हो। माइकल ने उनकी बात मान ली। उसे पता था कि अगर वो अपनी गलती नहीं मानेगा तो उसको डेथ पेनल्टी मिलेगी। उसने एक प्ली डील की। प्ली डील के अकॉर्डिंग वो अगर अपनी गलती कबूल करता है तो उसको मौत की सजा नहीं मिलेगी, उसके बदले उसको उम्र कैद की सजा मिलेगी, लेकिन इस उम्र कैद में कोई भी पैरोल की गुंजाइश नहीं थी। और यही जूडी भी चाहती थी। उसने मरने से पहले अपनी विश सबके सामने व्यक्त की थी कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि माइकल को डेथ पेनल्टी मिले, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान एस्केप होगा। वो चाहती थी कि माइकल जिंदगी भर जेल में सड़े। जूडी चाहती थी कि माइकल जेल के अंदर रहे और उसको एहसास हो कि उसने जूडी के साथ कितना गलत किया था। जिस दिन माइकल की सेंटेंस हियरिंग थी, एक बार फिर से जूडी की टेस्टिमनी वहां पर प्ले की गई। जब माइकल को सजा वगैरह मिल गई तो उसके बाद जूडी की फैमिली ने जूडीज फाउंडेशन को सेटअप किया। इस फाउंडेशन में जो पैसा आता है उससे इसी तरह के विक्टिम्स की और उनकी फैमिलीज की हेल्प की जाती है। इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम्स की, ड्रग एडिक्शन से लड़ रहे विक्टिम्स की इसमें हेल्प की जाती है। और इसके अलावा जो जूडीज लॉ है उसको ना सिर्फ ओहायो स्टेट में बल्कि फेडरल लेवल पर एक्सटेंड किए जाने का भी प्लान है, यानी कि पूरे अमेरिका में ये कानून लागू होना चाहिए। जूडी की दो बेटियां उसके पीछे अकेली रह गई हैं एक तरह से हम कह सकते हैं, लेकिन उन्हें सपोर्ट करने के लिए उनकी ग्रैंड मदर और उनकी मौसी उनके साथ है जो उसकी बेटियों की अच्छी तरीके से देखभाल कर रही हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग मुझे बताइएगा कि मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी। प्लीज़ एक ना एक कमेंट आप स्टोरी के नीचे ज़रूर कीजिएगा। आज मैं कोशिश करूँगी कि हर एक कमेंट को रिप्लाई करूँ, हाँ, लेकिन अगर वो ढंग के कमेंट होंगे। इसके अलावा आप लोग वीडियो को लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।